महाराष्ट्र में इस बार नहीं आएगी बीजेपी सरकार। जी हां, सूत्र तो ऐसा ही बता रहे हैं। दरअसल महाराष्ट्र की राजनीति अब शुरू हो चुकी है। सीट बंटवारे को लेकर सियासी घमासान चरम पर है। शिवसेना उद्धव गुट ने अब कांग्रेस हाईकमान से सीधे डील करने का बड़ा फैसला कर लिया। उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता संजय राउत जल्द ही राहुल गांधी से बातचीत कर सकते हैं। संजय राउत का कहना है कि महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता सीट बंटवारे पर फैसला नहीं कर पा रहे, नामांकन की तारीख नजदीक आ रही है, ऐसे में हम सीधे राहुल गांधी से बातचीत करेंगे। राउत ने संबंध में कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल से भी चर्चा की। संजय राउत के मुताबिक शिवसेना उद्धव गुट और एनसीपी शरद गुट के बीच सीट शेयरिंग पर सहमति बन चुकी है, यानी भाजपा को हराने की पूरी तैयारी हो चुकी है। हालांकि शिवसेना और कांग्रेस के बीच अब भी कुछ सीटों पर पेच फंसा हुआ है, खासकर मुंबई और विदर्भ रीजन में। शिवसेना उद्धव गुट मुंबई की 36 सीटों में से कम 20 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, जबकि कांग्रेस इन सीटों पर खुद की दावेदारी पेश कर रही है। इस मुद्दे पर कांग्रेस नेता नाना पटोले ने संजय राउत के बयान पर ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं दी। उनका कहना है कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, वो अंतिम फैसला करेंगे। पटोले ने यह भी कहा कि वे संजय राउत के बयानों पर प्रतिक्रिया नहीं देना चाहते। महाराष्ट्र में विधानसभा की 288 सीटों पर चुनाव एक चरण में होने वाले हैं। 20 नवंबर को मतदान होगा, 23 नवंबर को नतीजे सामने आएंगे। सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी या गठबंधन को 145 सीटों की जरूरत होगी। सीट बंटवारे को लेकर शिवसेना उद्धव गुट एनसीपी और कांग्रेस के बीच की खींचतान जारी है। आने वाले दिनों में देखना दिलचस्प होगा कि क्या गठबंधन पार्टियां एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगी या सियासी समीकरण बदल जाएगा।